हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, इंशाल्लाह सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलने में आपको ज़रा सी भी देरी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो पोस्ट बताने वाला हूँ, इस वैकेंसी की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर चले जाइएगा और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे आप। ओके दोस्तों, वहाँ पर जाके। तो दोस्तों, आज की पोस्ट है हमारी एम्स जोधपुर की 119 चीफ कैशियर की पोस्ट है। ये ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, लास्ट डेट रहेगी 4 फरवरी। टोटल वैकेंसी 119 रहेगी एम्स जोधपुर में। ये जॉब रहेगी राजस्थान में, जॉब रहेगी सरकारी नौकरी है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन। ओके दोस्तों, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए अगर बात करें डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर इसकी बिगिन हुई 11 जनवरी को, लास्ट डेट रहेगी अप्लाई ऑनलाइन की 4 फरवरी। लास्ट डेट ऑफ पे एप्लीकेशन फीस 4 फरवरी रहेगी। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप फीमेल कैटेगरी के लिए 200 रुपये रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड पर होगा। वैकेंसी डिटेल में अगर बात करें इसके लिए, तो चीफ कैशियर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। चीफ कैशियर के लिए कैंडिडेट मस्ट पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग कैश और अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 35 ईयर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ओके दोस्तों, इसके लिए 21 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्टोर कीपर, कैशियर और स्टोर कीपर कम क्लर्क की भी पोस्ट है। इसके लिए स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन हो चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहिए या फिर डिप्लोमा हो चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट। ओके दोस्तों, या फिर इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट में या 3 साल का एक्सपीरियंस स्टोर हैंडलिंग में। ओके दोस्तों, 18 से 35 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैशियर के लिए अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। ओके दोस्तों, 31 से 30 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए अगर बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएशन के साथ हैंडलिंग स्टोर में। ओके दोस्तों, मैक्सिमम 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं एज की बात करें तो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट पर होगा। ओके दोस्तों, ये बात है वैकेंसी की। अब बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे और इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।